हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, रितु राठी व्लॉग्स में। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुई है। और सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ भाई मूली के परांठे। ये देखो, तो यहाँ पे मूली किस लिए मैंने, एक एक में बन जाएंगे हमारे, तो भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई मूली को पहले घिस लिया था मैंने, और अभी इसका ना सारा पानी निकाल रही हूँ मैं मूली का। तो किस तरीके से बनाती हूँ वो देखना। तो ये सारा रस निकाल लिया है मैंने अलग से, और अब क्या करेंगे, ये है हमारा सारा मूली है ना। अब मूली में डालेंगे अभी आटा। तो ये मैंने डाल लिया है आटा, और इसमें डालेंगे अभी सारा मसाला। और ये जब आटा हम गूंदेंगे तो इसी पानी से मैं ये आटा गूंदना है। हरा धनिया, तो अभी इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है एक, और डाल देंगे इसमें काली मिर्च। सारे मसाले डालेंगे जो जो डालने हैं। तो एक काली मिर्च डाल ली, और अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार आपको जितना डालना है, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब डाल लिए मसाले। और अब हमें यह आटा गूंद लेना है इसी पानी से। तब आप बोलोगे कि दीप पानी निकाल है क्यों था अगर इसी में डालना है तो, तो वो इसलिए अगर साथ में डाल के गूंथते ना तो चिपे चिपा आटा हो जाता है, तो उसे अच्छे नहीं बनते। तो अभी इस पानी से गूंथेंगे ना तो सही आटा बनेगा और परांठे सही बनेंगे। तो यही पानी डाल डाल के हम आटा बना लेंगे अपना। और अगर फिर भी आपका आटा ज़्यादा रहता है इस पानी से भी नहीं गूंथता, तो आप वैसे नॉर्मल पानी ले सकते हो गूंथने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसमें काम चल जाएगा या दूसरा लेना पड़ेगा, तो हम दूसरा भी पानी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं गूंथते वक्त। इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कई बार बना चुकी हूँ मैं इस तरीके से। तो ये पानी तो अपना ख़त्म हो गया। तो भाई ये आटा हमारा बन गया, थोड़ा सा मैंने अलग से पानी ऐड किया है, और ये देखो उसके बाद थोड़ा सा घी लगा लिया है, और बहुत ही अच्छा बन गया है। और अब बनाएंगे इसके परांठे। मैंने स्टार्ट कर दिए हैं परांठे, जैसे रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे लोई बनानी है, और वैसे ही बेल लेना है, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। ये देखो तवा है गरम, और ऐसे ही रोटी की तरह बेल के, और ये बन जाएंगे अपने, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार बना के जरूर देखना आप। और ये मैंने अपने लिए बनाई है चाय, क्योंकि गला खराब है, चाय के साथ खाऊंगी। तो भी बना लेती हूँ फटाफट अपने सारे परांठे। भाई ये देखो बन गया अपने परांठे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार इस तरीके से जरूर बनाना, कमेंट करके बताना फिर कैसे बने हैं। तो ये भाई बन गया अपने परांठे, और अभी खाते हैं। ये देखो पतले पतले सब्जी, आलू की और चाय। तो भाई अभी खाना खा के अब हो चुके हैं भाई रेडी, और देखते हैं बाहर जा रहे हैं अभी शॉपिंग सेंटर में, और बाकी कहाँ जाएंगे जाके ही पता चलेगा, तो अभी निकलते हैं। तो अभी आए हैं भाई वेस्ट फील्ड में, ठंड है और आज बाल धोए थे, कहीं आज और ना लग जाए ठंड, मुश्किल से ठीक होती हूँ फिर वही काम हो जाता है। तो आ चुके अभी अंदर, और अंदर ये है कि अच्छी कि एटिंग ऑन होती है भाई, ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। तो अभी लिए भाई कुछ कपड़े, और अभी चलते हैं यहाँ से दूसरे में।
तो भी अब कर ली है शॉपिंग, शूज लिए हैं। तो अब हो चुकी है भाई हमारी शॉपिंग और अभी चलेंगे घर। आज तो ये मालूम है 3-4 घंटे हो चुके हैं और बस अभी निकलेंगे। तो भाई अभी लेते हैं यहाँ से सब्जी, शॉपिंग तो हो गई थी, यहाँ से अब करेंगे सब्जी की शॉपिंग। देखो छोटे छोटे टमाटर भी है, आल प्याज देखो कितना बड़ा, ये देखो सारे आपको अचार मसाले उधर हैं और ये सारी नमकीन वगैरह और ये काजू बादाम और अखरोट लेने थे हमको तो, और वो हमने ले लिए हैं। तो अब चलते हैं भाई घर, सामान लिया। तो अब आ चुके हैं हम दीदी के पास। क्या ये बाद में किया है? तो आज सामान चेंज किया है भाई इन्होंने। अच्छा ये यहाँ ले आई। और भाई अब दीदी बना रही है हमारे लिए चाय और समोसे गरम गरम लेंगे। आप इतने स्मार्ट लग रहे हो ना, तो भी बना रहे भाई समोसे और फिर खाएंगे। तो भाई ये बन के रेडी हैं समोसे और ये बनाया है दीदी ने गाजर पाक और चाय अभी बन रही है हमारी। अभी खा लिया हमने समोसा और सब और अभी दीदी शॉपिंग देख रही है हमारी शॉपिंग। कैसी लगी दीदी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अभी चलते हैं बाय फ्रूटी। तो वो तो पहले ही चली गई है दीदी, और क्योंकि दीदी हमारे साथ जा रही है अभी तो मैं अभी इनके साथ निकल रही हूँ घर से। हाँ अंधेरा, तो अभी चलते हैं भाई। तो घर आ चुके और आके चेंज किया और उसके बाद मैंने बना लिया भाई खाना और आलू मटर की सब्जी और ये रोटी और अपना दूध भाई रेडी है। आने के बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और अभी हम बैठ के खा रहे हैं खाना। यहाँ पे बैठी हैं दीदी, सुनीता दी मेरे साथ ही आ गई थी, आपको बताया था। और अब करते हैं भाई इंजॉय अपना डिनर। सब्जी बनाई थी दीदी ने। तो अब ये भाई खाना हो गया है सबका और जब जा रही हैं दीदी। बाय बाय कल मिलते हैं, चलते चलते। हाँ ठंड हो रखी है देखो बाहर, बाहर में और अंदर में। हाँ बाय गुड नाइट भाई। अभी जा चुके हैं सब और अभी हो चुकी है रात और इतना अच्छा लग रहा है ना आज शॉपिंग की, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक है भाई। सच तो ये है जब तबीयत ठीक होती है ना तो आपको सब अच्छा ही लगता है। और भी कुछ दिन से इतना ख़राब चल रहा था, मैंने व्लॉग भी नहीं डाले, आप लोगों ने देखा ही है। तो और कुछ बिजी भी थे काम में और इसलिए वीडियो भी मेरी कम ही आ रही है इंस्टा पे। तो बस थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब ऊपर से काम, तो फिर वही हो जाता है
क्या डालू और क्या नहीं, और ऊपर से आप लोग देखना भी पसंद नहीं करें बाहर के, तो अगर हम जा रहे हैं तो कहीं, तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। लेकिन हाँ, आज गए थे हम शॉपिंग की, कुछ नहीं आज मैंने खूब शॉपिंग की तो। और उसके बाद दीदी के पास गए, फिर उनके पास रुक के बैठे, बातें करी, और उसके बाद फिर मैं उन्हीं के साथ वापस आई, बल्कि ये तो पहले वापस आ गए थे और मैं बाद में उनके साथ आई। आके खाना खाया सबने, बैठे बातें करी, पता ही नहीं चला। आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा रहा मेरा। और बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप मुझे ये और बताना कि आप कैसे व्लॉग देखना चाह रहे हो आगे, कि भाई आपको क्या चीज़, मतलब मैं अगर कहीं घूमने जा रही हूँ तो वो हमको मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं। कई लोगों के तो आते हैं कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हो तो आप हमें दिखा रहे हो, और कई ने ये भी बोला कि नहीं हमें देख लिया ऑस्ट्रेलिया, अब नहीं देखना है। तो आप मुझे बता देना आपको कैसे चाहिए हैं, मैं ताकि आपके कमेंट को देख के वैसे मैं आगे बना पाऊँ। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक न्यू व्लॉग में। थैंक यू, गुड नाइट।